नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। आज की रिपोर्ट में बात उसकी जिसने पूरे देश में मानो धारा 144 लगा दी हो, जिसका खौफ इतना कि लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे और जो हिम्मत दिखा रहे हैं, साहस कर बाहर निकल रहे हैं, उनका इसके कहर से बच पाना मानो नामुमकिन है। लड़ाई के सारे हथियार इसके कहर के आगे मानो दिव्यांग हो गए हों। ऐसे में इसका कहर देश की राजधानी से लेकर देश के हर कोने में जारी है और लोग बस यही कह रहे हैं कि उफ ये गर्मी। गर्मी से हाल बेहाल, आसमान से बरस रही आग, जेठ की दोपहरी में बाहर ना निकलना, उफ ये गर्मी, हाय रे गर्मी, प्रचंड गर्मी से हाहाकार, लू के थपेड़ों से बच के मार डाला, मार डाला, हाय रे इस गर्मी ने मार डाला। आए दिन पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरी ओर बादलों और बारिश का नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ कहर ढा रही गर्मी के ओर बढ़ने की आशंका है। लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बेमौसम बारिश के बाद अब गर्मी का तांडव भी जारी है। बढ़ती गर्मी धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। दिन चढ़ते ही सूरज आग उगल रहा है तो वहीं लू के थपेड़े लोगों को बेहाल कर रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग का रेड अलर्ट लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि आसमान से बरस रही आग से पूरा देश तिलमिला उठा है। हर कोई गर्मी के कहर से बचकर निकलना चाहता है, लेकिन गर्मी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हर किसी की जुबा पर बस गर्मी का ही जिक्र है और ये कहते हुए नहीं थक रहे कि जिए तो जिए कैसे गर्मी के इस मौसम में। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और सामने जो शौचालय बना है वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो पानी यानी कोई तरीके कोई बहुत परेशानी है। तो इतनी बाथरूम जाना होता है, कहीं भी हमें घर जाना होता है। इतनी गर्मी में आप किस तरीके अपना बचाव करते हैं? ये जरा सा पेड़ पे आप खड़े हैं तो किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं? अब क्या करें सर, जो जैसा है उसमें ही करते हैं। आपको बता दें कि इस उमस भरे मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो गया। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इस गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाकर लोगों को तड़पा दिया है। आप कहां गए हैं, क्या नाम है आपका? तो इतनी गर्मी में आप आ रहे हैं, क्या आपको कोई परेशानी नहीं हो रही? किस तरीके की परेशानी हो रही? क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है, पानी या किसी तरीके की कोई चीज क्या आपको उपलब्ध हुई? कई जगह पानी की व्यवस्था नहीं मिली। जो सफर आप जो सफर किया है उसमें गर्मी में आपका किस तरीके से क्या हाल है, कितनी परेशानी हुई, थोड़ा बता दीजिए। हाल तो बुरा ही है उसका गर्मी में। वहीं गर्मी का असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर खासा पड़ रहा है। गर्मी को देखते हुए बच्चे स्कूल जाने में कतरा रहे हैं। फिलहाल गर्मी चाहे कुछ भी करे, लेकिन मतलब साफ है कि जेठ के इस महीने में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब लोग गर्मी और उमस को देखकर अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो घर से बाहर गए तो शायद सही सलामत वापस ना आए। जाहिर है गर्मी और उमस उसको अपनी चपेट में ले लेगी। वहीं बता दें कि गर्मी को देखते हुए दोपहर के वक्त बाजारों में भी सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख दुकानदार भी मंदी का हवाला दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में खास बात यह है कि लोग इसे निजात पाने के लिए लिक्विड ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं और खुद को गर्मी से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? विजय।
विजय, ये ठेला जो आपने लगाया यहाँ सिकंजी का, इतनी गर्मी में आप ठेला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह? दुकानदारी की लगा रहे हैं, दुकानदारी 150 पैदा हो जाए, बच्चों को रोजी रोटी चल जाए, बच्चों को पेट पल जाए। तो कितना क्या आप पैदा कर लेते हैं? यही 150-200, इलाज भी कराते, पैर फैलरिया भी है। तो बाकी यहाँ सरकार ने या रोडवेज की या किसी की तरफ से कोई सुविधा पानी की या किसी तरीके की है? नहीं, लगा हुआ सरकारी पीछे। यहाँ आपको गर्मी वगैरह या कुछ नहीं लग रही है? गर्मी तो है ही है, गर्मी क्या गर्मी? कितने की बिक्री आती है, क्या हो जाती है? 2-3 तो पैदा हो जाते हैं। और बाकी यहाँ और पानी वगैरह की या किसी चीज की छायादार या कोई चीज ऐसी सुविधा है या नहीं? पानी बहुत कम है, पानी का एक ही नल है। और कोई है? बस एक वो अंदर रोडवेज में टंकी लगी तो खड़वा दी गई। किसने खड़वा दी? लोगों ने खड़वा दी, इन्हीं वालों ने, पीछे हुई दुकान है ये जो लगी है। नमस्कार, मैं मेरठ से अरुण कुमार, सियावन न्यूज चैनल से। आप देख रहे हैं गर्मी का पारा कितना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, गर्मी ज्यादा से फालतू होती जा रही है। और देखिए किस तरह लोग गर्मी को मिटाने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह गर्मी को भगा रहे हैं। मैडम, ये जो दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ घूमने आए, तभी तो फैंटेसी वर्ल्ड खुला है यहाँ पे। और कुछ देखो, हम आए भैया नागपुर से, हमारी आई है फैमिली, अब घूमने के लिए कुछ तो चाहिए, तो गर्मी इतनी है, यही आना पड़ा। ये एक बेस्ट चीज दिख रही है फिलहाल तो यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लाइट है जिसमें बहुत मजा आ रहा है। मेरठ से अरुण कुमार के साथ कैमरामैन धर्मेंद्र। नमस्कार, मैं अरुण कुमार मेरठ से, सीएमएन न्यूज चैनल से। आप देख सकते हैं दिन ब दिन गर्मी जैसे बढ़ती जा रही है, तो सवारी और आम जनता किस तरह गर्मी को मिटाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रही है, किस प्रकार अपनी गर्मी से की प्यास बुझा रही है, आइए जानते हैं। कहते हैं जो गर्मी पड़ रही है दिन ब दिन, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हैं गर्मी किस तादाद तक पहुंच चुकी है, जो कि आम नागरिक बता रहा है कि एक गिलास की जगह 2-2 गिलास दूध पीना पड़ रहा है। आने वाले समय में वो गर्मी अपना खौफ दिखाएगी, आप देखेंगे कि किस तरह ये जो सवारियां हैं, जो देख सकते हैं आप किस तरह परेशान है। मेरठ से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अरुण कुमार। बहरहाल अब यही कहा जा सकता है कि सूर्य देव रहम करने के मूड में नहीं दिख रहे। अब तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि कब गर्मी अपना तांडव दिखाना बंद करेगी और कब लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल धरती माता पर गर्मी को रहम नहीं आया, लेकिन सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी अब जान लेकर ही मानेगी। मेरठ से अरुण कुमार, करौली से कलमुद्दीन खान, शाजापुर से एलके मिश्रा, न्यूज डेस्क सीएमएन न्यूज।